अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो आखिरकार बैंक अल्फला ने भी अपने जो नए प्रॉफर रेट्स हैं जो कि 1 मई से नाफजुल अमल हो गए, उनका ऐलान कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए, सबसे एंड पे जब बैंक अल्फला ने इसका ऐलान किया है, तो आज हम तफसील के साथ इनके नए जो प्रॉफर रेट्स हैं उनको देखेंगे। अगर आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और काइंडली अगर आप लोग वीडियोस मेरी देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो मेरी वीडियोस को आगे पहुँचाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें जी, यहाँ पे हम लोग बैंक अल्फला के PLS सेविंग की, अल्फला होम रेमिटेंस की, तो इसके ऊपर अब जो है वो आपको 19.5% का मुनाफा दिया जाएगा। पहले 18.5% था। अल्फला रॉयल प्रॉफिट के ऊपर अब आपको 19.5% का मुनाफा देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे अल्फला कवायद की, तो अल्फला कवायद के ऊपर आपको आपकी रकम की बुनियाद पर मुनाफा दिया जाता है। अगर आपकी रकम 5 लाख से कम है तो 19.60%, और अगर आपकी रकम 5 लाख से 50 लाख के दरमियान है तो 19.70%, और अगर आपकी रकम 50 लाख के ऊपर है तो 19.80% का मुनाफा आपको दिया जाएगा। आगे बात करेंगे अल्फला पहचान सेविंग की, तो इस पर जो अब आपको मुनाफा है तकरीबन 19.80% का मुनाफा आपको मिला करेगा। अल्फला केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट है जो कि आपको 19.80% का मुनाफा आपको देता है। आगे बात करेंगे अल्फला आसान पहचान डिजिटल अकाउंट की, तो इस पर अब आपको 19.75% मुनाफा दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रोशन डिजिटल की, तो इस पर अब 19.50% मुनाफा मिलेगा आपको। अल्फला स्नापैक, इसके ऊपर 19.75% मुनाफा मिलेगा आपको। अल्फला कॉरपोरेट पेरोल सेविंग, इस पर 19.50% मुनाफा मिलेगा। अल्फला NRP नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेविंग, 19.50% मुनाफा मिलेगा। अल्फला आसान पे 19.50%, अल्फला आसान रेमिटेंस पे 19.50%, अल्फला सेविंग अकाउंट जो कि डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा इस पर आपको मैक्सिमम 19.70% मुनाफा। फ्रीलांसर पे 19.50% मुनाफा। अगर टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट की हम बात करें जो कि फिक्स होते हैं, तो इस पर जो 1 मंथ के ऊपर 19.25% मुनाफा है, 3 मंथ के ऊपर 19.40 है, 6 महीने के ऊपर 19.50 है, 1 साल के ऊपर 20.95 है, 2 साल के ऊपर 14.75। तो जैसे जैसे आपकी मुद्दत बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट रेट कम होता जाएगा। उसके बाद जी टीयर 2, अगर आपकी रकम 1 मिलियन से अबव है तो इस पर आपको भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, जो कि मैक्सिमम जाता है 21.20% तक। अल्फला माहाना आमदन है, जिसके बाद 1 साल के ऊपर 19.40%, 2 साल के ऊपर 14.10%, 3 साल के ऊपर 14.10%, 4 साल के ऊपर भी 12.35%, और 5 साल के ऊपर 12.35%। अल्फला सीनियर सिटीजन माहाना आमदन है, इसके ऊपर 1 साल के ऊपर 19.50%, 2 साल के ऊपर 14.20%, 3 साल के ऊपर 14.20%, 4 साल के ऊपर भी 12.45%, और 5 के ऊपर भी 12.45% मुनाफा मिलेगा। अल्फला टर्म डिपॉजिट डिजिटल है जी, इस पर अब आपको मैक्सिमम जो मुनाफा है वो 21.35% मुनाफा, जो कि एक अच्छा खासा मुनाफा है। अल्फला टर्म डिपॉजिट के ऊपर 21.30%, तो ये एक अच्छा मुनाफा है। अगर आपको मुनाफा को जो है वो निकालना नहीं आता कि जी मुनाफा हम लोग कैसे हमें पता चलेगा जी 19.50% कितना मुनाफा बनता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी कैसे आप वो निकाल सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि कितना बनता है जी। ये जितने भी मुनाफे मैंने आपको बताए ये सालाना की बुनियाद पर, ये महाना नहीं है, ये आपने याद रखना है कि ये महीने का नहीं है, ये साल का है, तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है जी। अब आपने मिसाल ले लेनी है कि जी अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, ठीक है जी, अगर आपके पास 1 लाख है तो अब आपको मुनाफा मिल रहा है 19.50%, तो आप इसको ज़रब दे लें 19.50, और उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन या फीसद का साइन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे बराबर पे क्लिक करना है, आपका मुनाफा निकल के आ जाएगा। ये आपका मुनाफा है 19,500, ये सालाना मुनाफा है, इसमें से टैक्स भी आपका कटना है जो कि 15% फाइलर का होता है। फाइलर वो होता है जो टैक्स अदा करता है, और 30% नॉन फाइलर का होता है जो कि टैक्स अदा नहीं करता, उसे नॉन फाइलर कहते हैं। तो आप इसमें से वो टैक्स भी निकाल लेंगे,
टैक्स निकालने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। माइनस पे क्लिक करें, यहाँ पे ये आपका मुनाफा आ गया। अब हम इसमें से माइनस करना है हमने, मिसाल ले लें कि 15% आपका जब टैक्स कट रहा है, तो 15 लिख के परसेंटेज पे क्लिक करें और ये आपका टैक्स कट जाएगा 2925 इज़ इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मुनाफा हो जाएगा। ये होगा जी आपका सालाना का मुनाफा। इसको आप 12 पे तकसीम कर लेंगे तो ये आपका माहाना का मुनाफा निकलेगा। इंतहाई आसान है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।